क्या हाल चाल है आप सबके। मैं तुम्हारा भाई सोनू सैफी, आज मैं दुबई की कुछ बातें आपको बताने वाला हूँ रियल में, जो कि मैं दुबई के एक अलग जो शहर है अजमान में हूँ। मैं अभी अजमान शहर में इधर इलाके में घूम रहा हूँ। मैं आज आपको यहाँ की कुछ बातें बताऊँगा। इसमें अजमानों कुछ लोग जानते हैं, कुछ जो नहीं पता है। तो दोस्तों इसलिए मैं बोलता हूँ कि दुबई की कुछ बातें आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों मैं आज चलता हूँ आपको बताता हूँ यहाँ की कुछ अजीबोगरीब बातें और क्या। मैं आपको एक बात बता दूँ यहाँ दुबई की, और यहाँ पे जो गाड़ी ट्रक छोटी बड़ी जो कार है यहाँ पे सब खड़ी रहती है पार्किंग में। अगर बाइक टू वेट हमारी पार्किंग है, हमारी दुकान है और दुकान के सामने गाड़ी खड़ी है किसी और की पार्क किया हुआ है, तो दोस्तों अगर लगता है कि हमको परेशानी गाड़ी हटवानी है तो ड्राइवर कहीं भी हो, हमेशा यहाँ पर आप देख रहे हो एक नंबर लिखा रहता है, हम इसको फ़ोन करेंगे और बोले ड्राइवरों कि आओ अपना गाड़ी हटाओ। तो ये ड्राइवर इस गाड़ी का कहीं भी हो, कोई सी दुनिया में हो, कोई सी जगह पे हो, अगर हम उसको फ़ोन किया तो उसको यहाँ पे आना पड़ेगा। अगर नहीं आएगा तो उसको ऊपर फाइन देना पड़ेगा। ये दुबई का कानून है, सब इसके ऊपर भी नंबर लिखा हुआ है, तो ये सब पे ऐसे नंबर मिलेगा हर गाड़ी से। थोड़ी सी भूख लग रही थी, मैं अभी कुछ खा लेता हूँ। ये मेरे पीछे परचून की दुकान है, मैं यहाँ से कुछ सामान खरीदता हूँ अपने लिए। दोस्तों ये परचून की दुकान पे मैं आ गया था और मैंने अपना सामान खरीद लिया है खाने वाला। तो दोस्तों ऑलरेडी मैंने इसका एक ब्लॉग बनाया है परचून की दुकान का, अगर अभी तक के आपने नहीं देखा है तो जाओ देखो, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है परचून। तो ये देखो आप दुबई का ट्रक वॉल्वो का और इसका नीचे का कितना मिला हुआ है जमीन से देखो दोस्तों, और हमारे यहाँ कितना ऊँचा ऊँचा रहता है ये, कुछ ना अच्छी बॉडी में बनाया हुआ है, कितना प्यारा लग रहा है बोलो, कितना ऊंचाई में है दोस्तों। ऐसे आगे का कुछ ऐसा है, और ये यहाँ की कच्ची जमीन है, कच्ची जमीन कैसी है डॉलर का भी नहीं, आप नहीं लंबा सो जाओ यहाँ से जाना नहीं काम बड़ा है। दोस्तों जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बोला था कि दुबई बीच वाली वीडियो में कि मैं आपको मंगल बाजार की वीडियो दिखाऊंगा, तो दोस्तों ये मेरे पीछे कुछ मंगल बाजार है और पीछे ये रोड है, तो ये ऐसा कुछ है ज़्यादा, और यहाँ पे सब सामान सस्ता मिलता है यहाँ पर। कितने रुपए की हो? अभी मैं आपको सामने लेके चलूंगा मार्केट में जो आपको दिख रही है। उसके बाद मैं इस मार्केट में आया हूँ, उसको बोलते हैं 1 to 10, जो कि यहाँ पर सब सामान एक दिरहम से लेके 10 दिरहम तक के मिलता है, और मैं अभी आपको थोड़ा थोड़ा नज़ारा दिखाऊंगा यहाँ का। 10 रुपये का मिल रहा है 10 दिरहम का, और इंडिया के आप हिसाब लगा सकते हैं कितने का हो गया, ये सब 10 दिरहम की है। और ये हमारा मास्टर एक कोई खरीदता है, इसको पसंद नहीं आ पा रही यहाँ पे, इतनी पेन पहने थक लिया है, जो कि बड़ी स्मार्ट लग रहा है मास्टर। अरे वाह भाई, 10 रुपये में जान लोगे बच्चे की, और तुम ऊपर देखना बस ठीक है भाई, कपड़ा बड़ा मस्त है, 10 रुपये का मिल रहा है, बड़ी मोटी हैवी जैकेट है, तो इंडिया के लगभग ये 180 रुपये बैठेगा आपको। तो भाई कैसे लग रहा तुम्हारा भाई पे, ये भी 10 रुपये का ही भाई, तो ये मैंने लिए तो अपने लिए, कैसे लग रहा आपको 1 to 10 बीर पानियों के लिए ऐसा सामान।
₹200 का ही है। अब मैं इसके बाद आपको ले चलता हूँ दूसरी मार्केट में जो इसके सामने, और वहाँ पे सामान कैसा मिल रहा है और क्या मिल रहा है जाकर देखता हूँ, दिखाता हूँ आपको। है तो दोस्तों, इसके बाद मैं दूसरी मार्केट में आता और इसमें ये कंबल है जो कि मेड इन कोरिया के कंबल है, फुल साइज के। तुम देख रहे हो ये कुछ बैग है और ये कुछ कंबल है, इस टाइप का सामान यहाँ पर है, देख रहे हो तुम इस मार्केट में। फाइनली उसके बाद मैं दूसरी मार्केट में आता है। दूसरी मार्केट है जो सुपर मार्केट बोलते हैं उसको। यहाँ पे सामान बढ़ के अच्छा अच्छा, पर यहाँ पे थोड़ा सामान महंगा है, तो यहाँ पर यह है। बाकी इसके बाद एक मार्केट और है, वहाँ पर चलता हूँ। बेहतरीन क्वालिटी का टी शर्ट है, बेहतरीन क्वालिटी का टी शर्ट आपको मिलेगा बिल्कुल सिर्फ आज के लिए। डिस्प्ले फ्लैग भी आपके साथ काम आ सकता है, सिर्फ 229 दिरहम में 2GB रैम 16GB मेमोरी के साथ आता है, 3000 बैटरी बैकअप के साथ फोन है ये। टीपी लिंक का रेफर्स। अभी हमारे पास पैसे ख़त्म हो चुके हैं और अभी हम एटीएम पर आए, और ये एटीएम में कुछ इस टाइप का जो कि अभी हम पैसा निकाले, 12 बाइक लगे हुए लाइन में, और फिर कुछ कली कार्य करते घूमते हैं कहीं कहीं पे। तो दोस्तों, अब रात के लगभग 10 बज चुके हैं और अभी थोड़ी हमको भूख लग रही थी और अभी हम खाना खाने आए थे होटल पे। ये जो कि मेरे सामने पूरा होटल है, सॉरी दोस्तों, मेरे मोबाइल की बैटरी डाउन हो गई थी जिसकी वजह से पूरा ब्लॉग नहीं बन पाया। मैंने होटल पे खाना खाया था, होटल की वीडियो बहुत अच्छी बनती, पर अफसोस के मोबाइल की बैटरी डाउन हो गई थी जिसकी वजह से पूरा ब्लॉग नहीं बन पाया। दोस्तों मैं इसका पार्ट 2 निकालूंगा बहुत जल्द, अभी जल्द, ठीक है दोस्तों। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है, और आने वाला वीडियो देखने के लिए आपको ब्लैक आइकन घंटी दबानी पड़ेगी। बाकी ये मेरा कमरा है पूरा है, बाकी इसके बाद मेरी रियल लाइफ की स्टोरी आने वाली है बहुत जल्द। तो दोस्तों कहीं जाइए कहीं, दुबई में बड़ी स्पेशल स्पेशल डिश और ख़ास ख़ास बातें मैं आपको बताता रहूँगा दुबई की, बस जुड़ते रहिए, चैनल सब्सक्राइब लाइक करिए। बाकी नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द मिलता हूँ आपसे। ओके, सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़।